फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुमन सिंह है। आज है 7th of March और आज है मेरा बर्थडे। केक कटिंग कर लिए और केक खा भी लिए और अब है गिफ्ट ओपनिंग का टाइम। मुझे सभी ने बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए। पापा ने गिफ्ट दिए, मम्मी ने दिए, चाची ने दिए, चाचू ने दिए, दादी ने दिए। पर गाइस, जो मुझे चाचू ने गिफ्ट दिए वो बहुत ही एक अमेजिंग गिफ्ट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं 2000 लाइक्स का एम रखता हूँ। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग, ये प्लास्टिक क्रेयॉन से ये मुझे चाचू ने गिफ्ट ने दिए और ये है वो मेन चीज जो मुझे गिफ्ट ने मिली है। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर में थोड़ा सा एक व्यू है पेंसिल यहाँ पे दिख रही है और इसने लिखा है यहाँ पे 8 रिसाइकलेबल पेपर पेंसिल्स, मतलब रिसाइकल भी हो सकती है। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे रिसाइकल होगी। यहाँ पे पीछे बहुत सारी और भी चीजें लिखी है, ब्रेक रेजिस्टेंट, लीड, मूड डार्क, राइटिंग, एनवायरमेंट फ्रेंडली, मेड फ्रॉम 100% रिसाइकलेबल पेपर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो टाइप की पेंसिल है। तो सबसे पहले हम लोग ये रेजर वाली पेंसिल के बारे जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अंदर बहुत सारे कलरफुल यहाँ पे वुड की चीज दिख रही है जो आपको ये रिसाइकल पेपर से बनी है उसे कंप्रेस करके। यहाँ पीछे एक रेजर है तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये दूसरी टाइप की पेंसिल है, इसने भी वही रिसाइकलेबल कंप्रेस्ड पेपर लगाया। पर यहाँ पे आप लोग पीछे देख सकते हैं कैप्सूल है। जब आपकी पेंसिल बहुत खत्म हो जाए, आपको इसे फेंकना नहीं है, अपने कोई भी गार्डन में इसे आपको बो देना है पेंसिल को और उसमें पानी डाल देना है। कुछ दिनों में एक पौधा वहां से उगने लगे क्योंकि इस पेंसिल के ये जो कैप्सूल है इसके अंदर थोड़े से प्लांट के बीज है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ये फैब्रिक कासल की 8 रिसाइकल्ड पेपर पेंसिल को खरीद सकती है। से आप लोग एनवायरनमेंट को सेव भी कर सकते हैं। और जब मेरी पेंसिल खत्म हो जाएगी तब मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा अपने गार्डन में इसे लगाते हुए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें प्लांट एक कैसे ग्रो करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन दबा के हम लोग के चैनल में आप लोग जुड़ जाइएगा। तो तब तक के लिए बाय।